हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि सभी छात्र और मित्रगण सभी अच्छे होंगे। स्वयं इस यूट्यूब चैनल में सभी लोगों का एक बार फिर से मैं बजरंग आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी स्वयं इस यूट्यूब चैनल के साथ, और आप सीख रहे हैं विज्ञान आसान ट्रिक के साथ। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे बल। बल के बारे में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, जी के मान में परिवर्तन क्या होता है। आशा रखता हूं कि दोस्तों आपको ये फैक्ट समझ में आ गए होंगे। आज हम पढ़ते हैं कि बल से संबंधित हम विभिन्न प्रकार की जो जानकारियाँ हैं वो जानकारियाँ लेने जा रहे हैं। दो गुरुत्वाकर्षण बल तो हमने पढ़ लिया, इसके बाद में और कौन से हैं तो हम चार बल का आज जिक्र कर लेंगे। ठीक है, आज हम यहाँ पर इस चैप्टर को कंप्लीट भी कर देंगे दोस्तों। तो बने रहिए आप मेरे साथ और लास्ट तक हमारी वीडियो को जरूर देखें दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे अंतर टाइप। एक तो हम पढ़ेंगे, आप एक तरफ तो कर लें अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रिफ्यूगल, सेंट्रिफ्यूगल इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं ना। एक तो अभिकेंद्रीय बल और दूसरा होता है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल दोनों ही बल मोस्ट हैं दोस्तों। बहुत बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण पहचानिए या अपकेंद्रीय बल का उदाहरण पहचानिए। दोस्तों, अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल में से बहुत बार क्वेश्चन आता है। अब देखें तो सबसे पहले देखें अभिकेंद्रीय बल क्या है। पहले दो शब्दों पर आप कैच करें इसे कि एक तो अभि का अर्थ क्या है और एक अप का अर्थ क्या होता है। अभि का अर्थ होता है सिकोड़ना, ठीक है, और अप का अर्थ होता है फैलाना। यहां अगर देखें तो मान लो ये केंद्र है और वर्ताकार पथ पर गति करती हुई वस्तु के केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाएगा दोस्तों, अभिकेंद्रीय बल कहलाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप डायग्राम से देख सकते हैं कि हमारी परिभाषा क्या हो गई कि वृत्ताकार पथ पर गति करती हुई वस्तु के केंद्र की ओर, वस्तु से केंद्र की ओर, ऐसा करेगा ना, वस्तु से केंद्र की ओर लगने वाला बल, कौन सा लगने वाला बल क्या कहलाता है दोस्तों, अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। अब केंद्रीय बल क्या होगा कि वर्ताकार पथ पर गति करती हुई वस्तु के केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल क्या कहलाएगा दोस्तों, अपकेंद्रीय बल कहलाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप डायग्राम से समझ गए होंगे। और आप में एक मशीनरी का यहाँ सिद्धांत पूछा जाता है कि कौन से सिद्धांत पर वो कार्य रहता है दोस्तों, तो आप इस डायग्राम को समझकर उस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए अभिकेंद्रीय बल एक तरफ मैंने परिभाषा लिखी है, एक तरफ मैं लिख नहीं रहा, बोल रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स में परिभाषा लिख सकते हैं। अभिकेंद्रीय बल की परिभाषा मैंने क्या बताई है कि वर्ताकार पथ पर गति करती हुई वस्तु के केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। अब केंद्रीय बल क्या हो जाएगा, वर्ताकार पथ पर गति करती हुई वस्तु के केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल, यानी अगर देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल, यानी केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल दोस्तों क्या कहलाएगा, अपकेंद्रीय बल कहलाएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि दोनों बल समझ में आ गए होंगे। अब देखें तो इसके एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल क्या होगा, अभिकेंद्रीय बल कौन सा है, अगर देखें तो सड़क मोड़ पर गाड़ी द्वारा लगाया गया बल ये। दूसरा, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल द्वारा लगाया
दया बल। दोस्तों ध्यान में रखना कि जैसे ही सड़क मोड़ होती है, उस सड़क मोड़ के यानी ढालू भी होता है, और जो गाड़ी के द्वारा लगने वाला बल है वो बल कौन सा होगा? अभिकेंद्रीय बल होगा। जैसे मौत का कुआं आपने कई बार मेलों में देखा होगा, तो उसमें मौत के कुएं में जो मोटरसाइकिल है, उस मोटरसाइकिल द्वारा लगने वाला बल कौन सा होता है दोस्तों? तो वो अभिकेंद्रीय बल होता है। अपकेंद्रीय बल कौन सा होगा ये देखें। अपकेंद्रीय बल यानी सड़क मोड़ पर गाड़ी में बैठे यात्री या ड्राइवर द्वारा लगने वाला बल, ताकि उससे संतुलन बना रहे। सड़क मोड़ पर गाड़ी में बैठे यात्री द्वारा लगने वाला बल। और वो दूसरा उदाहरण है मौत के कुएं में मोटर सवार द्वारा लगने वाला बल। लगने वाला बल, ये दोनों ही बल के संतुलन के कारण मौत के कुएं में मोटर सवार मोटरसाइकिल को आसानी तरीके से चला सकता है। जैसे ही मोटरसाइकिल या कार का बल अभिकेंद्रीय होगा, वो अपकेंद्रीय बल लगाएगा जिसका एक संतुलन बनता है, और उस संतुलन के कारण वो मोटरसाइकिल को आसानी से चला सकता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि दोनों ही बल समझ में आ गया होगा। अब देखें ये एक मशीनरी का है, तो आपसे ये पूछ ले कि मशीनरी किस सिद्धांत पर, कौन सी, दूध गलोने की मशीन, क्रेन निकालने की या कपड़े धोने की मशीन, सभी मशीनरी किस सिद्धांत पर हैं? तो वो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर आधारित हैं दोस्तों। अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। आपसे पूछ ले कि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कौन सी हैं? तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर मशीनरी ध्यान में है, मशीनरी होती हैं दोस्तों। एक बार पुनः देखें, आप अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल के बारे में पढ़ रहे हैं। आपसे पूछे कि वर्ताकार पथ पर गति करती हुई वस्तु से केंद्र की ओर लगने वाला बल कौन सा है? तो आपका आंसर होना चाहिए अभिकेंद्रीय। आपसे ये पूछे कि वर्ताकार पथ पर गति करती हुई वस्तु के केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल, तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों, क्या होना चाहिए आपका आंसर? अपकेंद्रीय बल। सड़क मोड़ पर गाड़ी द्वारा लगाया गया बल अभिकेंद्रीय बल, और सड़क मोड़ पर गाड़ी में बैठे यात्री या सवार द्वारा लगाया गया बल अपकेंद्रीय बल। मौत के कुएं में मोटरसाइकिल द्वारा लगाया गया बल अभिकेंद्रीय बल, और मौत के कुएं में मोटर सवार द्वारा लगने वाला बल कौन सा है? अपकेंद्रीय बल। और सभी मशीनरी के सिद्धांत पर कार्य करती हैं दोस्तों, तो सभी मशीनरी अपकेंद्रीय बल सिद्धांत पर कार्य करती हैं। आशा करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखें तो ये मोस्ट क्वेश्चन भी बन जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की गति यानी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति और सूर्य के चारों ओर विभिन्न ग्रहों की गति अभिकेंद्रीय व अपकेंद्रीय बल के संतुलन के कारण संभव है। आप ये भी ध्यान में रखेंगे दोस्तों कि आपसे पूछ ले कि नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ पर जो इलेक्ट्रॉन गति करता है, उस इलेक्ट्रॉन के जो दो बल लगते हैं कौन कौन से? अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय संतुलन बल के कारण। और दूसरा ग्रहों के विभिन्न जो सूर्य के चारों ओर विभिन्न ग्रहों की जो गति होती है, वो गति में भी कौन से बल लगते हैं दोस्तों? अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल लगते हैं। आशा करता हूँ ये दोनों ही समझ में आ गए होंगे। दो और पढ़ लेते हैं दोस्तों, और हम बल को आज क्या है अलविदा कह देते हैं कि बल से संबंधित मैंने सारे फैक्ट आपको बताए हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बने रहिए आप मेरे साथ और आसान ट्रिक से विज्ञान सीखते रहिए दोस्तों। आसंजक बल और एक हम पढ़ेंगे संसजक बल। आसंजक बल और संसजक बल से संबंधित देखें दोस्तों क्या है। आसंजक, आप शब्दों को पकड़ लें,
आसंजक है कि असमान, यानी द्रव्य की असमान सतह के मध्य लगने वाला बल, सतह के मध्य लगने वाला बल। संसर्जक क्या हो जाएगा? द्रव्य की समान सतह के मध्य लगने वाला बल। बस आप इन दो चीजों को ध्यान में रखें कि द्रव्य के असमान सतह के मध्य लगने वाला बल दोस्तों कौन सा है? आसंजक बल। और संसर्जक बल कौन सा? द्रव्य की समान सतह के मध्य लगने वाला। और ये क्या है? असमान सतह के मध्य लगने वाला। जैसे यहां देखें तो उदाहरण हम यहाँ कि कौन से हो जाएंगे, आसंजक बल क्या है और एक संसर्जक बल क्या है। दोस्तों यहां से अगर देखें, आसंजक बल अगर देखें तो लिफाफे, लिफाफे पर डाक टिकट का चिपकना। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों कि लिफाफे पर जो डाक टिकट का चिपकना होता है वो किस बल के कारण संभव है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? उसमें आपका आंसर होना चाहिए कौन सा? आसंजक बल के कारण। या फिर अगर यहाँ देखें तो जो द्रव्य की सतह जोड़ती है, यानी पानी की सतह पर तेल की बूंद का फैलना। वैसे अगर देखें तो वहां दोनों चीज कंडीशन लागू होती हैं कि पानी की सतह पर तेल की बूंद और तेल की सतह पर पानी की बूंद है, ठीक है। तो वहां देखें तो वहां आसंजक है, क्योंकि दो समान द्रव्य की सतह के मध्य लगने वाला बल होता है। संसर्जक है समान सतह के मध्य लगने वाला बल। तो इसमें देखें तो बर्फ के टुकड़े के मध्य लगने वाला बल, या फिर दो स्लेटों के मध्य, स्लेटों के मध्य, या दो पत्थर के टुकड़ों के मध्य, पत्थर के टुकड़ों के मध्य लगने वाला बल। या फिर आपसे मोस्ट ये पूछ लें कि पानी की दो बूंद पास आकर मिल जाती हैं, पास आकर मिलना, ये भी कौन सा बल है? संसर्जक बल के कारण ही संभव है दोस्तों। दोस्तों पुनः देखें एक बार कि संसर्जक बल क्या है। तो संसर्जक बल जो है वो बल क्या है, संसर्जक बल क्या है कि द्रव्य के किसी असमान सतह के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाएगा दोस्तों? वो संसर्जक बल कहलाता है दोस्तों, ठीक है। दूसरा अगर यहाँ देखें आसंजक बल, तो द्रव्य की समान सतह के मध्य, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, द्रव्य की असमान सतह के मध्य लगने वाला बल दोस्तों क्या कहलाता है? आसंजक बल। यानी असमान सतह के मध्य लगने वाला बल तो हम क्या कहेंगे दोस्तों? आसंजक बल कहेंगे। और द्रव्य की समान सतह के मध्य लगने वाले बल को हम क्या कहेंगे? संसर्जक बल। लिफाफे पर डाक टिकट का चिपकना उदाहरण आसंजक बल है। आजकल ये क्वेश्चन रह गया है, ऑनलाइन जो हो गए तो फोरम वगैरह पर आप मुश्किल से ही टिकट चिपकाते होंगे, ठीक है। पानी की सतह पर जो तेल की बूंद का फैलना, ये भी आसंजक बल है दोस्तों। फिर दूसरा अगर देखें संसर्जक बल के उदाहरण आपसे पूछें कि बर्फ के टुकड़े के मध्य जो बल लगता है दोस्तों वो कौन सा होता है? संसर्जक बल। और पत्थर के दो टुकड़ों के मध्य लगने वाला बल भी कौन सा दोस्तों? संसर्जक। पानी की दो बूंदें पास आकर मिल जाती हैं, आपसे उदाहरण पूछ लें तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? संसर्जक बल का ही होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये है हम बल से संबंधित एक टॉपिक जो फिजिक्स का किया है। दोस्तों फिजिक्स वाले जो एवरीडे साइंस में आते हैं, कंपलसरी जो होते हैं, वन डे जो एग्जाम होती हैं, मैंने वहां तक के फिजिक्स के टॉपिक आपको करवा दिए। एक ब्रह्मांड वाला और बचा है, उसमें से भी वो फिजिक्स और ज्योग्राफी दोनों से संबंधित है दोस्तों, मैं वो टॉपिक और करवाऊंगा। फिर इसके बाद हम केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ में हो। जय हिंद, जय भारत।